Patra is a typically quiet village along the Odisha-Jharkhand border, where most people speak in Sadri and Munda, dialects that are common in tribal belts of Odisha. Around 15 years ago, the government opened a school in this village called Burta Bahal School. Since then, Madhuri Banerjee has been taking care of the school as its headmistress. She understands the children in her school and is also well aware of the people and their lifestyle. Through the years, she has become a respected figure in Burta. Is gaon ka population bahut kam hai. यहाँ पर सब कोई डेली वेजेस कोई दो तीन दुकान यहाँ पर बनाए हुए हैं, दुकान में रहते हैं और साल में एक बार उन लोगों ने जो धान पैडी उसका ग्रोथ करते हैं और अपना खेतों में जो आलू टमाटर वगैरह जो उगाए उसको बाजार में सेल करते हैं। फाइनल सम कंडीशन किसी का भी नहीं है, मतलब हैंड टू माउथ इनका जो भी अर्निंग एंड ईटिंग। The 13-year-old Lakshmi Munda studies in class 8 in Burta Bahal School. She is a shy girl of few words. A year ago, her father passed away due to an undiagnosed illness. His untimely demise affected the financial condition of the family. दूसरों का खेत को यही सब से ली है, मतलब उगाएगी जितना, अगर 10 बस्ता धान होगा तो 2-3 बस्ता उनको दे देगी, साथ अपने रखेगी, इस हिसाब से करके काम करती है। और वो भी डेली वेज करती है, जब खेती बाड़ी नहीं रहता है तो डेली वेजेस का काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। और आप लोग तो देखे थे उनका घर घरे ये हालत नहीं है, मॉनिटरी कंडीशन फिनेंशियल लोगों बहुत वीक है। ठीके लगत रहे कन तो तने कन छुआ मन के भी देख के तने कुन का कहन के बेस नहीं लागल। छुआ मन भी छोट छोटा है नहीं से में बेस नहीं लागल मुख। छुआ मन तने बैठ रहता है तो तने ठीके लग रहता है। लक्ष्मी मन के तो पढ़ुआ मु कन इतनी ना जो इतनी मन ना जो काम पढ़ते तक तो पढ़ुआ मु कहन एकन तो छोटे यहाँ सो तीनों जन कमाए लगे हर में कमा तो स्कूल नहीं छुट्टी रह तो हर दिन मतलब अपने कमाए ला और भी यानो अपने भातियन करे ला और भातियन करे पानी मान आइन दे ला मोह जा रहे होत रहा मोह ले पानी मान आइन के ले यो भातियन के की कहे बहुत एब्सेंट करती है। वही घरेलू ये के लिए उसका माँ आके बोलती है दीदी इतना दिन छोड़ दीजिए नहीं तो हम काम कैसे करेंगे, मेरा छोटा बच्चे को देखेगा कौन, इसी से उसका एब्सेंट बहुत है। रजनी स्कूल आती है तो लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी आती है तो रजनी नहीं आती है, और जिस दिन उसका माँ घर में रहती है उस दिन दोनों आते हैं। माँ उसके काम करने के लिए जाती है तो वो छोटा सा जो बच्चा है 1 साल का उसको देखभाल करने के लिए घर में कोई भी नहीं है, तो उसका देखभाल करने के लिए दोनों बहनों में से कोई एक रह जाती है, तब एक स्कूल आती है एक एब्सेंट रहती है। नाम लक्ष्मी मुंडा, पाठ पढ़ा के चाहती चारटारे छुट्टी कर आसे तर पानी पीला भात नहीं था भात पिंधे तर सब कम सर तापर टी पाठ पढ़े सतटार सतटार आठटा तापर भात खाई आस देखिए यहाँ का जो है ना ये जो बच्चे जो हैं ये फर्स्ट लर्नर हैं। उनका कुछ एक परिवार का जो बच्चे स्कूल आते हैं वही लोग उनके उस परिवार का पहला लर्नर है।
उनको जब पूछा जाता है व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ, लोग लिखते हैं खास करके लड़का लोग खलासी बनने के लिए, ड्राइवर तो नहीं खलासी, वो डंपर चलाया है डंपर का खलासी बनने के लिए जाते थे। अभी बच्चे को मैं जैसे कोई स्कूल का कंपटीशन होता है तो उसको बाहर ले जाती हूँ, वहाँ पर उन लोगों करते हैं तो अभी उनके अंदर कुछ चेंजेस आया है, वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग भी कुछ करें कुछ आगे बढ़ें। अभी कोई बोलता है कि कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई बोलता है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई बोलते हैं हम अच्छा सा फार्मर बनेंगे, पढ़ लिख के फार्मिंग के लिए करेंगे। इस तरह से कुछ चेंजेस तो आया है, और ख़ास करके चेंजेस सबसे ज़्यादा है लड़की लोगों के अंदर। इस स्कूल के बच्चों के मैं घर का नहीं बोल सकती मेरे, लेकिन मेरे स्कूल के गर्ल्स लोगों के अंदर बहुत चेंज है। In India, girl-child education has continuously improved over the last 5 decades. Indicators show that the female literacy rate in the country has soared from 8% in 1951 to 65% in 2011. A few kilometers north of Burta is Diraikala, a village where winter mornings are foggy with minimum visibility and summers are hot and dusty. This beautiful village is enveloped by a thick forest with a serene lake at the center. Most residents of Diraikala are largely dependent on the forest resources. Bishnu, a 12-year-old boy, lives at the edge of the forest with his family, who were once dependent on the forest for firewood and vegetables, until a tragic incident changed their lives. About a year ago, Vishnu's mother was killed by an elephant while she was collecting vegetables in the forest. After the incident, Vishnu and his elder sister Jashoda stopped attending school. तो करीब उसका ये वाला काम शायद 8-9 बजे की बात है। फिर मेरे को 10 बजे मेरे जस्ट प्रेयर चल रहा था, सरपंच मेरे को फोन किए, ऐसे ऐसा बात है उसका मम्मी को हाथी ने कुचल दिया है। उसके बाद तो कम से कम 4-5 महीना विष्णु स्कूल भी आए नहीं। Vishnu spent the next few months helping his grandfather grow vegetables on a small patch of land outside their house. All along, the desire to go back to school was always in him. क्या बताऊँ? ऐसे ही problem था, फिर school नहीं पढ़ने से भी तो नहीं होता, इसलिए school master एक बार दुकान के लिए खरीदने के लिए दुकान गए थे, तो उसी पर master भी पहुँच गया। मास्टर को मैं बोला 7 क्लास में मैं और एडमिशन होना चाहता हूँ, बोला तो ठीक है कल से स्टार्ट करना स्कूल आना, बोला मैं स्कूल स्टार्ट कर दिया। नहीं, विष्णु का इंटरेस्ट है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जैसे मैंने उसको बात किया कि विष्णु तो स्कूल के छोड़ दिया कि नहीं आएगा, नहीं सर हम आएंगे ना, थोड़ा सा घर में थोड़ा काम है वो काम ख़त्म कर दें हम आएंगे सर। उसके बाद इससे बात करने के बाद थोड़ा मेरे को बोला कि सर अगर मैं एक बार फिर से 7 क्लास में शुरू करूँ तो। Going back to school meant Vishnu had to once again enroll in class 7. He now attends his classes every day and looks forward to completing his education. क्योंकि हर जगह पर एक बच्चा एक जैसे नहीं होता, टाउन के बच्चे जैसे पढ़ते हैं, हम लोग गाँव देहात में बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते, उनको सिखाने में हमको बहुत टाइम लग जाता है। मैं ये लोग जो भी पढ़ते हैं हमारे पास ही पढ़ते हैं स्कूल में, घर जाने के बाद ये लोग अपने घर के काम में कुछ लग जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। कोई हर कोई सोचता है कि हम भी डॉक्टर बने इंजीनियर बने, तो ऐसा तो होने से हम लोग को बाकी भी दुनिया में बाकी बहुत भी काम है, सब काम के लिए उनको एजुकेशन चाहिए।
मैं तो चाहता हूँ कि विष्णु को एक जो कुछ अपना जो काम कर सके वही काम देने से वो ठीक करेगा, कहीं दूसरे के पास काम कराने से अच्छा है वो कुछ उसको कुछ ऐसे ट्रेनिंग दिया जाए जो उस ट्रेनिंग को पाने के बाद वो कुछ अपने हिसाब से वो अपना कुछ बिजनेस कर सके, और वो काम के लिए वो लड़का एकदम पूरा फिट है जहाँ तक मैं इसको जानता हूँ। और जाके कहीं दूसरे फैक्ट्री में डेली के जो इसमें काम करेगा उसकी मैं उसको इतना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं उसको पूछा था कितना खेती बाड़ी है, तो चलो बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या खेती करने से फ़ायदा है तुम उसे सब करना। एक बार उसमें बात किया था अभी, और उसको पूछता हूँ भी क्या क्या सब्जी लगा है इस बार, ऐसे कौन बेचने जाता है, ऐसे कभी भाई जाता है तो कभी कभी भाई के साथ मैं भी जाता हूँ, तो पिला लड़का का मतलब कौन सा चीज़ में कितना उसके इंटरेस्ट है वो देखने के लिए मैं उसको टास्क दे देता हूँ, कितना किलो लिया था, कितना किलो में बेचा, पहला कितना बेचा, फिर बाद में रेट घटा कि नहीं मार्केट में, उसको ये सब जानकारी थोड़ा बहुत रहे, पहले तुम कैसे तय कर लेता कि इतना रेट में उसको बेचना है, ये सब बात मैं उसको बताती पूछता हूँ उसका नॉलेज वो कैसे लोग करता है। कुर्ती कुर्ती ये कुर्ती है, इसको पीट लेते हैं और सुखा देते हैं, फिर इसको गोजा करके यहाँ पर जोत देते हैं, और मतलब जानते हैं उसे जोत के फिर उसे पाटा मार देते हैं, फिर उसे कुर्ती को बुन देते हैं ऊपर में, फिर अलग जोत के फिर ऊपर पाटा हो जाता है ये, फिर अपने अपने हो जाएगा, इसे ले के वहाँ पर कुदाएंगे, फिर कुदा के थोड़ा जितना पानी है शीत पानी बोलते हैं उसके लेके वहाँ पर लेंगे, फिर सूख जाएगा शीत पानी सब निकल जाएगा ना, फिर उसे लाठी से पीट देंगे। इसे विष्णु के पढ़वार तो तार भाई को यदि लगे जीवे कि नहीं यार उपाय करब कौन गैरेज रहा पढ़ी सीखवा गया नहीं किसी मेकानी हेल्प कर छुआ पी पकब बाबा करवा किस्मत लूला चटा हो गया अभी भगवान जो करे। Since their mother passed away, Jashoda, Vishnu's elder sister, took the responsibility of the family on her young shoulder. She works at a brick kiln and is the only earning member of the family. मु स्कूल कहीं की छाड़ली मु एक रु जाई की आठ जक पढ़ी छी आउ मो घर असुविधा हैला टिके काम करबा में भी केही नथिले आमे कौन केंती करबा केंती नहीं सेटा हमर किछ उपाय मिललानी सेति पई मु स्कूल छाड़ली आउ काम करी जाए आउ काम करी के आसी के एठी आमे किसी दुई पैसा इनकम करू छु आउ खाउ छु पिउ छु। सकाळे उठू आमे फास्ट मोर बुढ़ा बाबा उठब तहन मते उठाई दिए साढ़े चार नहले चार जेंती जेंती टाइम टे उठाई दिए आ उठू आउ बसु हई निया जाड़ी की भात बनाऊ एंती करी कुरा के सकाळे हो जाए फिर बाहर काम गुड़ा भाई माने उठंती तहन से माने भी टिके टिके हेल्प करंती किए झाड़ू करबे किए कि पानी आनी देबे टिके एपरि करा हुए। It has been a year since Jashoda started working to support the family. Meanwhile, the school headmaster continues to create awareness about education and its importance. दो दिन पहले हम गार्डियन जो मीटिंग बुलाए थे उनको वही सिखाए कि बच्चे कुछ करे या ना करे पढ़ाई कुछ बहुत जरूरी है, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो वहाँ भी आपको एजुकेशन जरूरी है कि आपको जो मालूम चलेगा कि कौन सा खेती में कैसे क्या करना है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, कब यूज करना है, हर काम में आजकल क्या ना साइंटिफिकली काम हो रहा है तो एजुकेशन इज मस्ट। मध्यान्ह भोजन आने के बाद स्कूल में बच्चों का अटेंडेंस बढ़ गया, बच्चे रोज स्कूल आने लगे हैं, उन लोगों को स्कूल का स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, ये नहीं कि खाली MDM की वजह से, बच्चों को ये रहता है कि ना जाएंगे एक साथ उनको खाना भी मिलता है और पढ़ाई भी हो जाता है, कुछ सीखता है बच्चा और खा पी के बच्चा वहाँ पर आता है, मतलब बच्चा भूखा नहीं रहता स्कूल में, इसके लिए कि बच्चों को कुछ काम के लिए माँ बाप और बाकी दूसरी जगह भेजना भी नहीं चाहते, नहीं मेरा बच्चा दोपहर में जाएगा दिन का खाना खाएगा
और कुछ पढ़े भी लिखेगा भी और उसके बाद घर रहेगा। Midday meal has also been made accessible to children who study in schools inside the forest. Fikrochundi in Sundargarh district falls in Raukela Forest Division. As the mud road winds through the forest, the only sound one hears is that of nature. Scattered houses, quiet surroundings, living in the wilderness. People's life here is rooted in the forest. The project school in Fikrochundi opened in 1973. It has a strength of 56 students from class 1 to 8. 28-year-old Kirendra Raut, a native of Kulamunda, is in charge of the school. जंगल टा अछि बहुत इम्पोर्टेंट जंगल को ही नहीं कि से माने अछि जते बेले मु स्कूल को आसे पिला माने निजे ही कहंती कि सर आज आम साइड पटे आसीथिले हाथी 30-35 टा आसीथिले प्राय पिला गुडा कहंती कि 30-40-50 टा हाथी आसीथिले आम पटे हाथी उपरे तांगो एते भय नाही किंतु माने देखि जानि पवंती माने जानि थांती कि एपटे हाथी अछि माने सेपटे जीवार नाही सेपटे हाथी अछि माने जीवार नाही आ हाथी केते बेड़े बाहरे केते बेड़े घर को माने से जंगल रु केते बेड़े से बाहरे केते बेड़े जाए से जानि छथिं को रास्ता रे जाए से जानि छथिं पिला बड़ा से माने बेसी प्रश्न पचार छथिं आगरे कोन थला कि पिला बड़ा एते प्रश्न पचार नथिले किंतु एबे पिला मानकर से भय नाही प्रश्न पचारिबार किछि करिबार किछि भय नाही से माने डायरेक्टली सार को कहउछन्ती सार एटा केमती हो पिलावळा को जते बडे मैट्रिक पढ़े सारिबे पढ़ी सारला परे पिलावळा को भावुची स्किल डेवलपमेंट जो अछि यदि स्किल डेवलपमेंट यदि तांकु ऐड करा जाए तो सेमाने भी भाबे कि हाँ तापरे भी किछि अछि फ्यूचर तापरे किछि भविष्य अछि सिंस द स्कूल इज लोकेटेड डीप इनसाइड द फॉरेस्ट इट इज डिफिकल्ट टू रीच हियर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर द टेरेन मेक्स फूड डिलीवरी बाय व्हीकल अ हाईली चैलेंजिंग एंड रिस्की एंडेवर एंड देयरफॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड किचन सेट अप इन द स्कूल प्रेमिसेस इज द आइडियल सॉल्यूशन Basically two kinds of kitchens. One is a centralized kitchen where 50,000 to 1 lakh children are, you know, food is cooked for 1 lakh children. And the other one is something which we had to innovate to reach the rural population where the road infrastructure is not, you know, allowing our vehicles to take food from a centralized kitchen. So we use self-help groups. We give them the provisions and the mothers, they cook and we give them employment and they go and deliver to the children. So this way we achieve our objective through two kinds of models, centralized kitchen and decentralized kitchen. In 2013, the Akshaya Patra Foundation set up a centralized kitchen in Raukela to implement the government's midday meal scheme. It was set up in partnership with the government of Odisha, supported by the Steel Authority of India. The kitchen operation is an everyday routine to ensure timely delivery of food to the schools. Akshaya Patra adheres to stringent quality, safety and hygiene standards to maintain nutrition and taste.
Freshly cooked food is packed in tight containers and delivered to schools in custom-built distribution vans. This kitchen prepares nutritious meals for about 50,000 children every school day. Midday meals in school has been effective in increasing attendance, promoting socialization and gender equality among tribal children in Odisha. With a mission towards increasing the number of first learners like Vishnu and Lakshmi, the government of Odisha and Akshaya Patra continue to focus on zero hunger and quality education. जंगल को भी रक्षा करबे हम समाज को भी रक्षा करबे हम परिवेश को भी रक्षा करबे सब कुछ भलो की रखिबे सही सही चेष्टा रे हम समस्त स्टाफ मु भी समस्त बहुत चेष्टा अछु कि एक स्कूल को भलो की चढ़े एई एरिया रो छुआ मान को पिला मान को भलो की पाठ पढ़े आ भलो रास्ता देखि बच्चों को मोटिवेट करके उनको तैयार करने के बाद वो अपने परिवार में परिवर्तन ला सकते हैं और जिस घर में पहले से थोड़ा पढ़ाई लिखा है उनका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज है अक्षय पत्रस लार्जर विजन इज टू सी एन एजुकेटेड स्किल्ड एंड हेल्थी इंडिया